अरे अरे टोली नंबर एक सशस्त्र पुलिस की टोली उत्साह और शौर्य के साथ सलामी मंच से गुजरते हुए। टोली नंबर दो नागरिक पुलिस की टोली पुलिस समन्वय के साथ सलामी मंच से गुजरते हुए। टोली नंबर तीन पुलिस कार्यालय की टोली सुगमता और दक्षता के साथ सलामी मंच से गुजरती हुई। टोली नंबर चार नागरिक पुलिस की टोली नागरिक पुलिस समन्वय के साथ सलामी मंच से गुजरती हुई। टोली नंबर पाँच पीएससी की टोली सुरक्षा सेवा अफगानिस्तान की भावना के साथ सलामी देते हुए। टोली नंबर छह सशस्त्र महिला पुलिस की टोली सशक्तता एवं प्रतिशीलता के साथ मंच से गुजरती हुई। टोली नंबर सात नागरिक महिला पुलिस की टोली विश्वास एवं प्रतिष्ठा के साथ अग्नि महोदय को सलामी दी। 50वीं टोली नंबर आठ 50वीं वाहिनी राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्रों का मार्चिंग दस्ता उत्साह एवं सलामी मंच से गुजरते हुए। टोली नंबर नौ पाबंदी वाहिनी राष्ट्रीय कैडेट कोर की टोली अनुशासन के साथ सलामी मंच से गुजरते हुए। इसी क्रम में परेड टोलियों के पीछे मोटरसाइकिल दस्ता शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय मन से उतर कर निरीक्षण वाहन की तरफ बढ़ते हुए सवार होते हुए और सवार हो गए हैं उनके साथ पुलिस अधीक्षक प्लाटून नंबर 8 49वीं वाहिनी राष्ट्रीय कैडेट कोर की टोली टोली कमांडर है सीनियर अंडर ऑफिसर सूरज कुमार। प्लाटून नंबर 9 52वीं वाहिनी राष्ट्रीय कैडेट कोर की टोली टोली कमांडर है सीनियर अंडर ऑफिसर शिवम पासवान। पुलिस की टोली जो केसरिया रंग धारण किए हुए हैं टोली कमांडर हैं उप निरीक्षक श्री अंकित अवस्थी। प्लाटून नंबर 2 नागरिक पुलिस की टोली जो श्वेत रंग धारण किए हुए हैं टोली कमांडर हैं हुए हैं टोली कमांडर हैं उप निरीक्षक श्री अनिल तिवारी। समारोह के आयोजनकर्ता देवरिया के सम्मानीय पुलिस अधीक्षक आदरणीय श्री संकल्प शर्मा जी, देवरिया के जिलाधिकारी आदरणीय श्री जेपी सिंह जी, देवरिया जनपद से भारत की सर्वोच्च संस्था भारत के संसद में बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अपने देश का स्वाधीन कानून जिसके माध्यम से हम अपने देश को चला सके यह स्थापित किया गया और उसके माध्यम से आज हमने 73 वर्ष बहुत कुशलता के साथ पूर्ण किए हैं। इस अवसर पर आप सबको अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारत के संविधान में सब लोगों को समान अवसर सभी को विकसित होने का अवसर किया। 74 वर्ष में हमारा देश परिपक्व होकर के आगे की ओर गया है। नई पीढ़ी के पास बहुत ज्यादा हमारी क्षमता है। दुनिया के भीतर वो अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र से लेकर के शोध से लेकर के और आज स्पेस से लेकर सभी जगहों पर हमारे देश के वैज्ञानिक हमारे देश के युवक काम कर रहे हैं और दुनिया की प्रगति के लिए अपना सहयोग कर रहे हैं। भारत के भीतर भी प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के भीतर कौशल विकास के माध्यम से सभी को कुशल और सक्षम बनाया जाए इस दृष्टिकोण से एक अभियान चलाया है। देश को कहां हमें पहुंचाना है इसका एक सामने लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य के अनुरूप हमको आगे सभी को उस जिम्मेदारियों को पालन करते हुए आगे की ओर बढ़ के सामने अपनी
होती है और उस अखंड ज्योति के ये संवाहक ये जवान मानो कुछ कह रहे हैं इस तिरंगे से कि तेरी शान न जाने पाए चाहे जान भरे।